वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ खुशी कुमावत। सो टुडे वी आर डूइंग अ प्रोग्राम ऑफ सब्सट्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम ऑफ सब्सट्रैक्शन। प्रोग्राम बनाएंगे सब्सट्रैक्शन का, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना। तो प्रोग्राम बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग दो तरह से प्रोग्राम बनाएंगे। एक तो प्रोग्राम बनाएंगे हम फर्स्ट प्रोग्राम सब्सट्रैक्शन का, जिसके अंदर हम खुद वैल्यूज डाल रहे हैं, और दूसरा प्रोग्राम बनाएंगे सब्सट्रैक्शन का जिसके अंदर यूजर्स वैल्यू एंटर करवा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों वैसे सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम बनाना। एंड ए इज इक्वल्स टू 10, मैंने ए इज इक्वल्स टू 10 ले लिया। एंड बी इज इक्वल्स टू 5 ले लिया, मैंने बी इज इक्वल्स टू। आफ्टर डैट एंड सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, मैंने सी के अंदर सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी करवा लिया। ठीक है, अब मैं लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं सी को प्रिंट करा दूंगी एंटर। ठीक है, सॉरी मैंने सी को प्रिंट करवा लिया, मैं रन करके देखती हूँ प्रोग्राम को। तो 10 माइनस 5 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 आउटपुट आ गया। तो ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम था। अब हम लोग चलते हैं सेकंड प्रोग्राम पे, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम बनाना। मैंने यहाँ पे पैकेज क्रिएट कर लिया है सबसेक्शन का, उसके बाद मैंने लिखा है इम्पोर्ट जावा डॉट ट्यूटोरियल डॉट स्कैनर। तो अब इसका मतलब क्या होता है, स्कैनर क्या होती है, क्लास होती है जावा के अंदर, और यूटिल एक पैकेज होता है जिसको हम यूज़ करते हैं इनपुट को ऑब्टेन करने के लिए प्रिमिटिव टाइप्स में, जैसे हुआ इंटीजर, हुआ डबल, हुआ स्ट्रिंग हुआ। और ये क्या होता है, एक तरह से ईजीएस्ट वे होता है जिसके अंदर हम रीड कर लेते हैं इनपुट को जावा प्रोग्राम के। ठीक है, उसके बाद मैंने पब्लिक क्लास क्रिएट करी है सबसेक्शन की, देन मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने स्कैनर एस सी रिक्वेस्ट टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो स्कैनर क्या है, एक तरह की क्लास है, और उसके अंदर मैंने एस सी यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है एक, इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं प्रिंट करा रही हूँ नम वन की वैल्यू को जो यूज़र डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है इंट नम वन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट है क्या, ये नेक्स्ट इंट क्या करता है, स्कैन करता है नेक्स्ट टोकन को इनपुट के। अब मैंने यहाँ पे इंट लिया है, तो वो इंटीजर के टोकन को क्या करेगा, स्कैन करेगा। अगर यहाँ मैं डबल लेती तो डबल वाले को स्कैन करता वो। उसके बाद मैंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड द वैल्यू ऑफ नम वन, हम नम वन की वो एंड द वैल्यू ऑफ नम टू, हम नम टू की वैल्यू एंड करा रहे हैं। उसके बाद लिखा है मैंने इंट नम टू इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, देन इंट नम थ्री इज इक्वल टू नम वन माइनस नम टू। इंटीजर के अंदर मैंने इनिशियलाइज करा लिया है नम थ्री को, और नम वन में से नम टू को माइनस कर रहे हैं हम, और जो नम टू की वैल्यू है यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब हम रन करके देखते हैं प्रोग्राम, तो ये बोल रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, नम वन की वैल्यू एंटर करो। तो नम वन की वैल्यू क्या ली थी हमने, नम वन की वैल्यू ले लेते हैं हम 7, एंड नम टू की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम 6 ले लेते हैं। ठीक है, एंटर, और क्या आ रहा है आउटपुट 1। ठीक है, अब उसके बाद में हम एक और बार रन करते हैं प्रोग्राम। हमने यहाँ पे रन किया था प्रोग्राम, जिसमें हमने नम वन की वैल्यू क्या ली थी, 7 ली थी, और नम टू की वैल्यू 6 ली थी, मतलब नम वन की वैल्यू हमने बड़ी ली थी और नम टू की वैल्यू छोटी ली थी। अब हम करते हैं नम वन की वैल्यू जिसमें हम छोटी ले रहे हैं, और नम टू की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, बड़ी ले रहे हैं, नम टू की वैल्यू हम बड़ी ले रहे हैं। ठीक है, तो माइनस वन आ रहा है। तो ये अपना प्रोग्राम हो गया है, ये सबसेक्शन का प्रोग्राम था आपका, जिसमें यूजर खुद इनपुट डाल रहा था अपने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू फेस एनी डाउट सो यू कैन राइट फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन।